हे एवरीवन, ये इस ड्रामा का लास्ट पार्ट है। तो जैसा कि एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि अजहर भी एलन को ढूंढते हुए आता है, लेकिन उसके आने से पहले लू एलन को आकर के सेव कर लेता है और वो बदमाश लड़का लू को देखते ही वहाँ से फरार हो जाता है। अब यहाँ पर एलन मौके का फ़ायदा उठाने का सोचती है। वो सोचती है कि मुझे यहाँ पर स्ट्रांग नहीं दिखाना होगा, अपने आप को वीक दिखाना होगा ताकि वो लू को सेड्यूस कर सके। वो नशे में होने का एक्टिंग करती है और लू पर अटैक कर देती है। लू से कहता है कि तुम नशे में हो या एक्टिंग कर रही हो। एलन उसके करीब जाती है और कहती है कि तुम्हारे लिप्स इतने सॉफ्ट है कि मुझे उन्हें किस करना है। लू कहता है अच्छा तो तुम नशे में हो तो ठीक है, मैं भी फिर ये मौका नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो उसे बेड पर धक्का देता है, इसके बाद उसके पास जा करके अपना शर्ट खोलने लगता है। ये देख करके एलन उसे मना करने लगती है। तभी वहाँ पे रूम में अजहर आता है। अब ये सिचुएशन देखने के बाद अजहर को लगता है कि लू ही एलन के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। वो वहाँ जाकर के उसे पंच कर देता है। एलन रोकने रह जाती है, लेकिन दोनों के बीच में फाइट होने लगता है। एलन उन्हें समझाती है कि लू उन्हें हर्ट नहीं कर रहा था, इनफैक्ट लू ने तो उसे सेव किया है। अगर लू यहाँ नहीं होता तो शायद वो बचती भी नहीं। इसके बाद लू एलन को वहाँ से लेकर के जाता है। वो उसे एक कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर उसने जी और उस आदमी को किडनैप करके रखा था। और ये सब कुछ देख करके एलन थोड़ा सा डर जाती है। जी उससे कहती है तो तुम सेटिस्फाइड हो, मैंने जिस आदमी का इंतज़ाम किया था तुम्हारे लिए। ये सुनते ही लू खींच करके एक थप्पड़ लगाता है जी को और कहता है मैंने वार्न किया था ना एलन को हर्ट मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। वो अपने बंदों को कहता है कि जी फैमिली को जितनी भी फाइनेंशियल हम लोग हेल्प करते थे वो सब बंद करो। इसके बाद वो उसे ले करके अपने घर पर जाता है, यानी कि एलन के घर पर जाता है। वहाँ पर वो जाता है तो देखते ही एलन के उसकी मॉम लोगों ने बहुत ही हाई फाई डिनर सेट किया हुआ है। अब वो सोचने लगती कि हमारे पास तो पैसे नहीं है तो फिर इतने सारे पैसे आए कहाँ से, लेकिन वो अपने गार्जियन से नहीं पूछती है। वहाँ पर लू को सब कुछ ज़्यादा ही अच्छे से बिहेव कर रहे थे। जो एलन की मॉम थी वो लू को पानी पीने के लिए देती है तो गलती से उसके ड्रेस पर गिर जाता है। वो उसे चेंज करने के लिए भेज देती है। थोड़ी देर बाद वो एलन को एक ड्रेस दे करके ज़बरदस्ती करती है कि जाओ जाकर के लू को दो चेंज करने के लिए। लू नहीं चाहते हुए भी जाती है तो एलन अभी कपड़े चेंज कर रहा होता है, वो शर्ट खोल रहा होता है तो एलन अपना आई कवर कर लेती है, बट हाँ वो उसे ताड़ भी रही थी। तभी एलन के मॉम रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। ये तो उनका पहले से प्लान था। वो रूम का दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। एलन नॉक करते रह जाती है लेकिन वो खोलने वाली थी नहीं। वहाँ पर वो कहती है कि मॉम ने तुम्हारे लिए कपड़े भेजे हैं। जैसे ही वो उठा करके लू को देने वाली थी उसमें देखती है कि उसमें उसका भी नाइट ड्रेस है। अब वो उसे दिखा तो सकती नहीं थी। वहाँ पर लू से पूछने लगता है क्या हुआ मुझे भी बताओ, लेकिन एलन नहीं बता रही थी। और छीना झपटी में दोनों बेड पर गिर जाते हैं। लू जैसे ही एलन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है ना एलन साइड हट जाती है। वो हंसते हुए कहता है चलो चलो बहुत तुम्हारा मजाक कर लिया मैंने, मैं नीचे फर्श पर सो जाता हूँ तुम ऊपर बेड पर सो जाओ। लू के कपड़े अभी भी भीगे हुए थे, एलन को बुरा लग रहा था। वो उससे कहती है कि क्यों ना तुम ऊपर बेड पर सो जाओ और मैं नीचे सो जाती हूँ। लेकिन लू बेड पर ऊपर आते हुए कहता है हम दोनों साथ में भी तो सो सकते हैं, क्यों तुम्हें खुद पर ट्रस्ट नहीं है। जैसे तैसे ये रात कटती है। अगले दिन जब एलन स्कूल जाती है ना तो वहाँ पर उसकी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड सूजन आकर के उसे सॉरी बोल रही होती है, मुझसे गलती हो गई, मुझे ना जी का हेल्प नहीं करना चाहिए था, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, मैं तुमसे सच में सॉरी बोलना चाहती हूँ, हम लोग जहाँ पहले मिलते थे ना वहीं पर आ जाना, मैं तुम्हें सॉरी बोलूँगी। एलन को पता था कि ये झूठ बोल रही है, जी का कुछ प्लान है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर जा करके उसे रिवील करना चाहती थी तो वो हाँ कह देती है। इसके बाद वो जाती है अजहर से मिलने के लिए। वो कहती है कि एक्चुअल में सूजन ने उसे आज मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन उसे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, वो चाहती है कि वो भी उसके साथ चले। अजहर उसे कहते हैं क्यों लू क्यों नहीं तुम्हारे साथ जा रहा है, वो तो बड़ा तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है कि उसे हर्ट हो जाएगा। वहाँ पर एलन कहती है अरे नहीं, अगर इन सब के बीच में मैंने लू को इन्वॉल्व किया ना तो प्रॉब्लम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाएगी, इसलिए मैं कह रही हूँ तुम चल लें। ठीक है अब तुम्हें नहीं जाना तो कोई बात नहीं, वो ये कह के जाने लगती है तो अजहर उसे रोकता है और कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। इसके बाद दोनों उस प्लेस पर पहुँचते हैं और जैसा कि एलन को लगा था कि सब कुछ जी का ही प्लान था, वहाँ पर सूजन थी नहीं, जी अपने बंदों के साथ थी। और वो कहती है तुम तो सच में बहुत ढक्कन हो, तुम तो एक बार फिर अपने धोखेबाज दोस्त के प्लान में आ गई। एलन कहती है मुझे पता था कि वो मुझे धोखा दे रही है, मैं तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। इसके बाद वो और एजर मिल करके उसके बंदों से फाइट करने लगते हैं, लेकिन लोग ज़्यादा थे तो ये लोग भी मार ही खा रहे होते हैं। अच्छा खासा लड़ाई के बाद
जी के साइड का जो बंदा था वो एक रॉड लेकर के एलन की तरफ फेंकता है। उसे सेव करने के लिए एजर आगे आता है, लेकिन बीच में कहाँ से तो लू आ जाता है और वो रॉड उसके सर पे लग जाता है। लू को देखते ही सब वहाँ से खिसक लेते हैं, लेकिन लू को सर में बहुत ज़्यादा चोट लगा था। जल्दी जल्दी सब उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है ना, तो वहाँ पर एलन और एजर दोनों बैठे हुए थे। एलन को तो लगा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो उसे सॉरी बोल रही थी कि उसकी वजह से लू को इतना सफ़र करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे लू को ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहा था। वो एलन से पूछता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई थी, मुझे तुम्हारा सच सच बताओ। एलन उसे कहती है कि एक्चुअल में मैं अपनी फैमिली की वजह से तुम्हारे पास आई थी, लेकिन मुझे तुमसे फिर प्यार हो गया। ये सुन करके लू को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो उस पर गुस्साने लगता है कि तुम में और लड़कियों में कोई अंतर नहीं है, वो लोग भी मेरे पास सिर्फ पैसे के लिए आती थी, तुम भी सिर्फ मेरे पास पैसे के लिए आई हो। बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलता है और कहता है कि तुम ना एजर के साथ ही सूट करती हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ये सुनकर के एलन को बहुत हर्ट होता है और वो एजर को लेकर के वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने घर जाती है तो वहाँ पर उसे मॉम डैड बताते हैं कि एक्चुअल में लू की फैमिली ने उनके कंपनी में फंडिंग कर दी है। ये सुनकर के एलन को और ज़्यादा बुरा लगता है और वो लू को ढूंढने के लिए जाती है। वो उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो अदर कंट्री जा चुका है। वहाँ पर एजर उसके साथ था, वो उससे कहता है कि तुम एक बार मुझे तुम्हारा ख्याल रखने का मौका दो। एलन उसे मना करने वाली थी, लेकिन एजर कहता है कि तुम्हें अभी आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना टाइम ले सकती हो। धीरे धीरे एक साल बीत जाते हैं। इन एक सालों में एजर ने एलन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था, लेकिन एक दिन वो कुछ लोगों को बात करते हुए सुनती है कि लू वापस आ गया है। वो ये सुनते ही उसे छोड़ करके एजर को छोड़ करके लू से मिलने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वो दौड़ते हुए क्लासरूम में पहुंचती है तो देखती है कि लू एक लड़की के साथ है। एक्चुअल में ये लड़की उसकी होने वाली फ्योन से जिया थी। वहाँ पर जिया एलन को देख के कहती है, अच्छा तो तुम ही एलन हो, लू ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, लेकिन तुम्हारे और लू के बीच में जो था वो तो पास्ट है ना, अब तो तुम्हें पता है कि हम दोनों की शादी होने वाली है, मैं उसकी फियांसे हूँ, कोई बात नहीं, हम दोनों अच्छे फ्रेंड तो बन सकते हैं। ये देख करके एलन को काफ़ी हर्ट होता है और वो वहाँ से उसे छोड़ करके चली जाती है। वो सैडली जा रही थी, एजर उससे बात करने के लिए आता है, उसका मूड ठीक करने का कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर जिया आती है और वो एलन से फ्रेंडशिप करने का कोशिश करती है। एलन उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती है और वहाँ से एजर के साथ चली जाती है। वो लोग वहाँ से मेस में खाना खाने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि लू और जिया भी है, तो वहाँ पर छोड़ करके एलन एजर के साथ कहीं और चली जाती है। अगले दिन वो लोग ट्रिप पर गए हुए थे तो वहाँ पर भी लू और जिया आ जाते हैं। जिया एलन को अपने साथ चलने के लिए बोलती है क्योंकि उसका यहाँ पर कोई फ्रेंड नहीं है। एजर भी हाँ कह देता है, तो चारों डबल डेटिंग पर गए हुए थे। वहाँ पर जिया एलन को लेकर के जाती है साइड में बात करने के लिए। वो उसे बताती है, तुम्हें पता है हम दोनों ने एक दूसरे को बचपन से जानते थे, पिछले साल वो मुझे ढूंढते हुए फॉरेन आ गया, मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ कि वो मुझे अब तक प्यार करता है, इसके बाद हम दोनों ने शादी करने का डिसाइड किया। अब ये सब कुछ सुन करके एलन को बुरा लग रहा था कि लू उसे बिना बाय बोले ही चला गया था अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए। अभी वो लोग बात ही कर रहे होते हैं कि नीचे कुछ आवाज़ होने लगता है। एलन दौड़ते हुए जाती है तो देखती है कि एजर उसे शादी के लिए प्रपोज कर रहा है। अब वहाँ पर वो हाँ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन जिया जानबूझकर के लू से चिपक रही होती है ताकि एलन को जेलस फील हो। ये देख करके एलन सोचती है कि वो भला किसके लिए रुके, लू भी तो जिया से शादी करने वाला है, तो वो किसका वेट करे। तो वो ना एजर को हाँ कह देती है, वो काफ़ी खुश हो जाता है। इसके बाद लू वहाँ से जिया के साथ चले जाता है। धीरे धीरे दिन बीत रहे होते हैं। एलन और एजर ज़्यादा से ज़्यादा समय साथ बिताया करते थे, लेकिन एलन ज़्यादा खुश रहा नहीं करती थी। तो एजर उससे कहता है कि तुम अभी भी लू को ही पसंद करते हो। एलन कहती, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे कुछ टाइम चाहिए उससे निकलने के लिए। वो कहते हैं, ठीक है तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे कुछ टाइम बीत जाता है और उनके शादी का दिन पास आ जाता है। शादी वाले दिन एलन रेडी हो रही थी तभी वहाँ पर जिया की तरफ से उसे एक लेटर मिलता है और वो लेटर पढ़ती है। उसमें उसे लिखा था कि एक्चुअल में उसका और लू का रिलेशनशिप फेक है। हुआ कुछ यूँ था कि जिस टाइम लू को सर में चोट लगा था तो उसके ब्रेन सेल्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे, उसके बचने के भी चांसेस नहीं थे। एलन अपने आप को इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल ना माने, इसीलिए उसने ये सब कुछ ड्रामा किया था और फॉरेन अकेले ही चला गया था ट्रीटमेंट करने के लिए। वहाँ पर जाकर वो जिया से मिला और उसने जिया को ये सब कुछ हेल्प करने के लिए कहा था।
इसीलिए जिया उसका हेल्प कर रही है। जिया लिखती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि जो लू है वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है, तो हो सके तो उसने जो कुछ भी गलती की है उसको माफ़ कर देना। ये कह के वो लेटर कंप्लीट करती है। ये देखते ही एलेंग रोने लगती है क्योंकि अब वो क्या करेगी, उसकी शादी होने वाली है। तभी उसे एजर का कॉल आता है, वो उसे नीचे मिलने के लिए बुलाता है। एलेंग रेडी होकर के जाती है, एजर उसे देखते ही रह जाता है। वो उसे प्यार से एक ब्रेसलेट पहनाता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट रहेगा, इसे हमेशा अपने पास रखना। ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर लू एंट्री लेता है। एक्चुअल में लू के प्यार के लिए एजर ने अपना प्यार कुर्बान कर दिया था। वो जान गया था कि एलेंग अगर उसके साथ रहेगी तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगी, इसीलिए उसने उसे लू के साथ जाने के लिए अलाउ कर दिया था। लू वहाँ पर आता है तो वो उसे हग कर लेती है और शायद यही हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये वाला ड्रामा यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्या आप लोगों को ये कहानी एक्चुअल में इंटरेस्टिंग लगी? इसी टाइप के वीडियोज़ चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है? तब तक आप लोग वीडियोज़ वॉच करते रहो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ड्रामा में।